बताना चाहूंगा कि कला और उसके साथ में कार, हम लोग पहले तो कला हो जाए तो बहुत अच्छी है, कार तो जब मिलेगी जब मिलेगी, मगर ये जरूर कहूंगा कि जो उपमा हम लोगों को मिली या ये उपनाम जो हम लोगों को मिला, ये जब से इंडस्ट्री बनी है उससे पहले से भी कलाकार लोग कहे जाते थे, बाद में फिल्म इंडस्ट्री है। और मैं इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि मेरी चार पीढ़ियां फिल्म लाइन में है, 1935 से लेकर अब तक 2022 तक, तो कलाकार का एक अभिमान या कलाकार का मान और एक कलाकार का जो सम्मान है वो इस नाम में छुपा हुआ होता है, जो कि आज अजय साहब ने इस कलाकार नाम से जो अवार्ड शुरू किया है, प्लस शॉर्ट फिल्मों का जो दौर शुरू किया और उनको देख के उनके प्रतिभाओं को देख के उनको मान सम्मान देने के लिए जो शुरुआत की है, मैं उसके लिए सबसे पहले तो अजय साहब को बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा। और खास करके आज जितने भी हम लोग यहाँ खड़े हैं अब सबके नाम लूंगा तो समय हो जाएगा, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, जिनको अवार्ड मिल रहा है उनको भी बधाइयाँ, जो अवार्ड को देखने आए उनको भी बधाइयाँ, और जो आगे के लिए अवार्ड पाना चाहते हैं उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। फोटो ये खींच लीजिए, तालियाँ, तो हम लोग बजाइए तालियाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय साहब जरा आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा हमारे पास। अजय जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बहुत अच्छा उन्होंने प्रयास किया है, और आज राहुल जी, दिलीप जी और सभी गणमान्य व्यक्तिगण आप लोगों को यहाँ पर सम्मानित करने वाले हैं। मैं भी अजय जी का नेटिव का एक हिस्सा समझिएगा, और निश्चित तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए सभी लोग जब भी आप लोगों में कोई बेइंसाफी हुई तो निश्चित तौर पर हम हमारी यूनियन आपके पीछे खड़ी रहेगी, इतनी आपको गवाही देता हूँ। मुझे बहुत अच्छा सवाल आपने किया, ये सवाल मैं एक्चुअली कहना भूल गया था कि हमारा देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, तो मुझे लगा कि हिंदुस्तान को भी क्यों ना मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म दूं जिस जो सिर्फ 75 रुपीज़ से रिलेटेड हो। आप सबके लिए 75 रुपीज़ कुछ नहीं, एक धुएं का झटका है, अगर 75 रुपीज़ देकर, यानी कि ऐसा लगेगा कि आप फ्री में फेस्टिवल में एंट्री नहीं कर रहे, एक छोटा सा अमाउंट 75 देश को कंट्रीब्यूट करते हुए आप अगर आते हैं फेस्टिवल में तो आप सभी का वेलकम है। तो ये मैंने जो थॉट 75 रुपीज़ का रखा था फ्रॉम द 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव। अजय जी एक चीज, एक सवाल और है, बहुत स्ट्रगल जर्नी रही हमने देखा, लेकिन 75 की आपने बात किया, 75 में जहाँ तक यहाँ का हमने नाश्ता भी इससे दो महंगा आता है हुआ, और कैसे जहन में आता है, कैसे इतनी बड़ी और कितनी फिल्में थी जो इस प्लेटफॉर्म अब तक जो फिल्में आई थी हमारे पास कलाकार शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में, लगभग 81 फिल्में थी। हमने उम्मीद की थी कि लगभग 20 फिल्में तो आ जानी चाहिए, क्योंकि पैंडेमिक के तौर पे लॉकडाउन के और कोविड के दौरान ऐसा था कि लोग फाइनेंशियली बहुत वीक हो रहे थे, तो ऐसा लोग भरोसा नहीं कर पाते थे कि एक फेस्टिवल ऐसा है जहाँ पे 75 रुपीज़ लेके कहीं लोग भाग ना जाए, हमारा फिल्में तो ले लेंगे ईमेल के द्वारा और पैसा लेके भाग जाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। 75 रुपीज़ क्या होता है, एक अवार्ड 1500 से 2000 रुपये के बीच मिनिमम एक अवार्ड का रेट होता है जो हम दुकान से खरीद के लाते हैं, और एक स्टेज पे आपको सम्मान देते हैं उसकी कीमत करोड़ों लाखों में हो जाती है, तो वो एक 75 रुपीज़ की एंट्री पे आपको मिल रहा है बिकॉज ऑफ आपकी अच्छी फिल्म होने की वजह से। तो वो आप अगर आपको एक सम्मान ट्रॉफी के तौर पे, अवार्ड के तौर पे मिलता है, तो ये हौसला आपको देता है ये अवार्ड ट्रॉफी, ताकि आगे आप और भी आगे बढ़े और भी ऐसी फिल्में बनाते रहें। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं अजहर हुसैन फिल्म डायरेक्टर और आप सभी को क्रिसमस की और न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बाकी नाश्ता से बस इतना ही कहूँगी, खुश रहो और खुश रखो, जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच। जैसे कि हमारे राम भाई ने बहुत प्यारा सवाल पूछा है कि हम कलाकार शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं एक्चुअली, सब कुछ सारे फिल्म स्टारों ने, सारे गेस्टों ने कह दिया है। अब तो सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि कलाकार शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल को आप सबके द्वारा, आप सबके ज़रिए ये सक्सेस हुआ और हम इस मुकाम तक इस फेस्टिवल को लेकर आ पाए। इसके पीछे सबसे जो बड़ा हाथ है वो नास काजी जी का है, जो नास काजी जी बेसिकली एक फिल्म डायरेक्टर हैं और ज़ीमा से पास आउट हैं, मास मीडिया का पूरा कोर्स किया हुआ है नास काजी जी। अगर ये फेस्टिवल मेरे साथ फेस्टिवल डायरेक्टर नहीं होती तो ये कलाकार शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल शायद मैं यहाँ तक लेकर आ पाता आप सब तक। और सबसे खुशी की बात ये लगी मुझे कि पूरे हिंदुस्तान से
फेस्टिवल में फिल्में आई, हर लैंग्वेज में फिल्में आई, हर तरह की कंटेंट्स थी, जो कि नाज ने बहुत बारीकी से उनको मार्किंग किया, उसको मार्क्स देते हुए आज इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया इस फेस्टिवल को, ताकि हम देश से जितने भी लोग आ रहे हैं उन सबको एक ट्रॉफी की तरह से सम्मान करें, ट्रॉफी देके सम्मान करें, जो उनको एक हौसला देता है और आगे बढ़ने का। तो कोई भी शॉर्ट फिल्म्स हमारे लिए ऐसी नहीं थी कि हमारे लिए बुरी थी, हर एक शॉर्ट फिल्म का एक अपना अलग नज़रिया था, एक अलग कंटेंट था, ताकि वो हमें अपनी कहीं ना कहीं कहानी से बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये हमारा मैसेज है, वो कह रहा हमें ये हमारा मैसेज है। जिसमें सबसे जो बेस्ट फिल्म को अवार्ड जो दिया गया है वो अंतर फिल्म, जो मराठी फिल्म है और वो महाराष्ट्र से थी। तो मैं चाहूँगा कि इसी तरह से इंस्पायर जो होते हैं हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स दूसरे को सम्मान लेते हुए देखे, तो वो भी इस सम्मान का पात्र बने, वो भी इस फेस्टिवल से जुड़ते रहें। और इस फेस्टिवल्स की जो खासियत है वो है हमारा कल्चर है। जो आपने कलाकार शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का देखा होगा, का से कलाकार होता है और शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल तीनों इंग्लिश वर्ड है, अल्फाबेट जो इंग्लिश के हैं वो। तो मैंने कल्चर को पकड़ के चला इस फेस्टिवल को सोचने के लिए, इस फेस्टिवल को लाने के लिए, इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया है। बाकी नाज काजी जी ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे फेस्टिवल के बारे में। ये जो टाइटल है ये जहन किसके आया? ये टाइटल और ये जो सोच है वो जहन में आई थी इस फेस्टिवल के ऑर्गेनाइज़र मिस्टर अजहर हुसैन सर के, जो उन्होंने 3 साल पहले एक सोच जो सोचा था और उस सोच को सच करने के लिए जो भी उनके सफ़र में मैंने उनका साथ दिया, एक्चुअली इनसे बहुत कुछ इस सफ़र में सीखा है। वो इतना पैशनेटली अपनी सोच को सच तक पहुंचाने के लिए जिस तरीके से काम करते हैं, तो ये हमने एक टीम वर्क मिलकर इसको यहाँ तक पहुंचाया है। और रहा सवाल फिल्मों का, तो ऑल ओवर इंडिया से ये जो फिल्में आई है, तो इतना हमारे लिए टास्क बढ़ गया था कि सब एक से बढ़कर एक, हम कन्फ्यूज थे कि बेस्ट फिल्म किसे दें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होना ही था। तो ऐसा नहीं कि मतलब जो दूसरी फिल्में हैं वो उनसे कम है या फिर कहीं वीक है, नहीं ऐसा नहीं, सभी उल्टा इन सब फिल्मों से हमने बहुत कुछ सीखा है। और मैं इन सबको थैंक यू सो मच भी कहूँगी पूरी टीम के SFF की तरफ से, कि उन्होंने हम पर भरोसा किया, हमारे साथ जुड़े और हम सब एक कारवा बन के आगे तक, बहुत आगे तक साथ चलेंगे, इसी तरह अपना साथ हर सीजन में हमारे साथ बनाए रखें। और मैं शुक्र मतलब मैं एक वो नहीं हूँ कि मैं किसी का शुक्र अदा ना करूँ इस फेस्टिवल को करने में। इस फेस्टिवल को करने में जो सबसे ज़्यादा नाज का साथ रहा है, उसी तरह से मेरे टीम में शब्बीर जी का बड़ा बहुत मुख्य, मतलब कि सेंटर जो करेक्टर कहते हैं ना इस फेस्टिवल को करने में, जो उनका अहम रोल रहा है शब्बीर शेख जी का, शब्बीर शेख जी और साथ ही साथ उनके बेटे जुबेर शेख जी का, क्योंकि ये उनका साथ अगर नहीं होता तो ये शायद ये फेस्टिवल आज 26 तारीख को नहीं हो रहा होता मुंबई में। और दूसरी बात, राजकुमार तिवारी जी मुंबई ग्लोबल न्यूज़पेपर के ग्रुप एडिटर यानी कि मेन फाउंडर हैं, उनका भी साथ मुझे बहुत अच्छा मिला। और मेरी टीम मोहित गुप्ता, मेरी टीम शाहिद खान साहब, मेरी टीम सुफियान कपाड़िया, और ये सब लोगों का जो साथ जब मेरे साथ जुड़ा, तो राम मैं आपको क्या बताऊँ कि आज ऐसा लगा कि शायद मैं एक कामयाबी की तरफ एक स्टेप में आगे आज आया हूँ, ऐसा मुझे लगा। और लोगों ने जो भरोसा दिखाया, जो कि फिल्म स्टार्स की बात अगर कहूँ मैं, कि एक से बढ़कर एक एक्ट्रेस लोग इस फंक्शन में शामिल हो। तो मैं अजहर जी को, अजहर भाई को, हमारे बड़े भाई हैं और इन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। तो हमारे जो भी छोटे छोटे कलाकार हैं, जो भी अपने जिनको स्टेज नहीं मिल पाता है, अपनी प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बना है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इसमें हमने भी एक अपनी शॉर्ट फिल्म इसमें भेजी थी, तो इसमें हमें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। सुनील सर थे, सुनील सर जी, बहुत सारी चीज़ें बताएं तुम्हारे बारे में, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुनील पाल जी के साथ में मैं क्या ही कहूँ, उनका तो मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ और उनके साथ जुड़ा हूँ, कई सारे प्रोजेक्ट उनके साथ में किए हैं और आई होप इस तरह से आगे और भी प्रोजेक्ट करते रहेंगे। लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ के, कैसे? मेरा पहला ये शो था जो मैंने अटेंड किया और मुझे पता भी नहीं था कि शॉर्ट फिल्म्स के लिए भी कोई अवार्ड शो होता है, तो बहुत अच्छा लगा। और सौरभ को ये मिला तो और भी ज़्यादा अच्छा लगा। और मैंने पहली बार सौरभ के साथ ये शो अटेंड किया और मिले भी हम पहली बार यहीं पे थे, मुझे याद भी नहीं है कि मतलब कौन सा शो था, कोई अवार्ड शो ही था। मेरी पहली मुलाकात यहीं हुई थी, हम लोग यहीं पे मिले थे और आज अवार्ड में लास्ट टाइम मिल रहे थे करीब 5 साल पहले।
राइट। तो क्या मैम सौरभ जी के साथ कोई फिल्म या शॉर्ट फिल्म कुछ आ रही है आपका? एक्चुअली मैं इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ बट मैं आउट ऑफ इंडिया के शूट्स करती हूँ। अभी मैं यूएई के का शूट करके आई हूँ इपिक प्रोडक्शन से अरेबिक सॉन्ग्स। तो इस इंडस्ट्री से यहाँ से तो मेरा ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, देखते हैं आप करेंगे कुछ तो। इसके लिए तो बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए लेकिन यहाँ पे थोड़ी लिमिट में ही बोल पाऊंगी। मैं ये बोलूंगी कि ऐसे फिल्म फेस्टिवल बिल्कुल आने चाहिए और इनके फिल्म फेस्टिवल की जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि इन्होंने कोई बहुत मोटी रकम नहीं वसूली है ₹75 इन्होंने फीस लिए हैं जो कि बहुत ही नॉमिनल बड़ी बात है कि जो फिल्म फेस्टिवल हो रहे हैं या चल रहे हैं मोस्टली उनमें बहुत ज़्यादा ज़्यादा फिल्म की जो फीस होती है 2,000, 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो जो नए नए बच्चे हैं जो मतलब जिनके घर से उनको पैसे नहीं मिल सकते और उनको भी टैलेंट है उनके अंदर तो उनके लिए तो एक फिल्म बनाना ही बहुत बड़ा स्ट्रगल है और उसके बाद उस पर से वो 5,000, 4,000 रुपये वो लगा के फिल्म फेस्टिवल्स में सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए तो ये एक कलाकार शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल को सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छे से फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया। एंड उनका लाइक बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल होते हैं अलग अलग, सबके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं अलग अलग चीज़ें। कलाकार फिल्म फेस्टिवल ने बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्म हमने देखी, डिफरेंट लैंग्वेजेस, टाइम लिमिट, उनका क्राइटेरिया बहुत अच्छा था। मतलब हर टाइप की शॉर्ट फिल्म के लिए उसमें जगह थी और हर वेराइटी की शॉर्ट फिल्में हैं। इट्स नहीं कि एक ही टाइप की आपको शॉर्ट फिल्म देखने के लिए मिलेगी। मैंने भी इसमें अपनी शॉर्ट फिल्म दी है इट्स वैलेंटाइन। सो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा रिस्पांस था। एंड मैं आशा करती हूँ कलाकार फिल्म फेस्टिवल इस तरह हर साल फेस्टिवल कराते रहें अजहर और नाज मिलके। और हम अजहर जी ने एक बहुत ही शानदार आयोजन किया है, एक अच्छी सोच है और एक बहुत शानदार आयोजन है जिसमें पूरे देश भर से 100 शॉर्ट फिल्में आई हैं। ये शॉर्ट फिल्में जो है ना बड़े पर्दे की जो फिल्में हैं लॉन्ग ड्यूरेशन की, उसकी एक शुरुआत होती है। अच्छे अच्छों को एक्टिंग का मंच नहीं मिलता लेकिन लोगों ने जितनी मेहनत करके इसमें पार्टिसिपेट किया, एक से बढ़कर फिल्में लाई हैं वो तो बहुत प्रशंसनीय हैं। और यह कहना बहुत मुश्किल हो गया कि किसने अच्छी एक्टिंग की है, किसकी कहानी अच्छी है, किसका फिल्मांकन अच्छा, एक से एक थीम, एक से एक काम देखने को मिले, बहुत सुकून दे। सबको अवार्ड भी मिला और एक प्लेटफॉर्म मिला उसके बारे में। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा अजहर हुसैन का क्योंकि उसने पहले ये सोच निकाली कलाकार शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल जिसकी आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये थर्ड सीजन है और जिनसे काफ़ी टैलेंटेड एक्टर डायरेक्टर टेक्नीशियंस जो है जिनको काम नहीं मिल रहा था आज 5 मिनट में 10 मिनट में अपने एक्सपीरियंस अपना कॉन्टेंट ऑडियंस के सामने दिखाना और उसे क्रिएट करके बताना तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। आज उनको काम मिल रहा है, अपने काम बता रहे हैं लोगों को। तो आज शॉर्ट फिल्म से करियर की शुरुआत हो रही है, आने वाले वक्त में वो बहुत बड़े नामचीन डायरेक्टर बनेंगे, बहुत बड़े नामचीन एक्टर बनेंगे। एंड दिस इज़ रियली ग्रेट प्लेटफॉर्म फ्रॉम देम। सो मेरी सबसे वही मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इस कलाकार शॉर्ट फिल्म में पार्टिसिपेट किया है। बस ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहिए, ऐसे ही लोगों को आगे बढ़ाते रहिए, यही मेरी दुआ है। ऑफकोर्स एज एन एक्टर मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके टैलेंट को एज एन डायरेक्टर हो एज एन एक्टर विद इन 5-10 मिनट्स में आप अपनी स्टोरी को और उस कैरेक्टर को प्रेजेंट करना ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये शॉर्ट फिल्म जो बनती है वो भी कोई इतने बड़े लंबे शेड्यूल की नहीं, शॉर्ट दिनों में ही बनती है। तो आज जो है शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल थी तो काफ़ी अच्छी फिल्में इन्होंने सिलेक्ट की हुई हैं। एक फिल्म हमने देखी अंतर जिसमें जो है गांव और में जो है सुविधा नहीं होती है उस पर बनाया गया था कि अगर सुविधा नहीं होती गांव में तो जो है गांव से शहर का डिस्टेंस जो है अंतर वो बहुत ज़्यादा है और उस सुविधा में जो है ज़िंदगी और मौत का जो है अंतर वो बहुत कम हो जाता है अगर जो है सुविधा नहीं होगी। तो इस पर था और गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे हमको नवाजा गया
इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं इनका, अज़हर भाई का। जो एक लगातार ये तीसरा उनका अवार्ड शो है, जो ये लेबल दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं लोगों को, इससे कितना बेनिफिट मिले, क्योंकि हर कोई बड़ी